हेलो हेलो सिख हेलो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, आपका भी सुबह से काफी बारीकी से आप यहाँ पर ए ग्रुप और बी ग्रुप का मैचों का जो ताजा हाल समाचार था माइक्रोफोन के माध्यम से आपने पहुँचाए। थोड़ा सा किसी कारणवश मुझे देरी से आना पड़ा और इस समय देखा जाए तो निश्चित रूप से भिक्षा क्लब कुचाई कई स्टेडियम में हल्के फुल्के दर्शकरण इस साल भी प्रतियोगिता कराना पड़ा है। फिलहाल दर्शकों को जानकारी के लिए हम यही बताना चाहेंगे कि यहाँ आज बी ग्रुप का ये अंतिम मैच होगा अमृता स्पोर्टिंग वर्सेस आईसीओ अकेडमी चाईबासा। तो इसमें आप देखेंगे आईसीओ अकेडमी चाईबासा की टीम सफेद पोशाक में अपने आप को दर्शा रही है मैदान के बीच, उनका विपक्षी दल को देखेंगे आप अमृता स्पोर्टिंग की टीम। तो यहाँ पर वो ब्लू और लाल बॉर्डर लाइन की जर्सी पर अपने आप को स्थापित करी है और शुरुआती क्षण है, लंबा मैच खेला जा रहा है। दूसरे टूर्नामेंटों का मुकाबला यहाँ अगर कहें सुजीत तो आधा घंटा का मैच बहुत बड़ा मैच होता है और इस लंबे समय में अंतराल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं मैदान के बीच में। इसमें आज सोकड़ में चाहे वैसा लॉन्ग लेजर पास डालने की कोशिश, बिल्कुल ठिकाने पर गेंद को रखा है यहाँ पर, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं उठेंगे। चलिए इस मैच के बाद वाली दोनों ही टीमों को सूचित करना चाहेंगे हम, ए ग्रुप का सेकंड राउंड का पहला मैच खेलने के लिए आप दोनों टीमें आएंगे। जैसे कि आप कुणाल बरदास ए वर्सेस महेंद्र एफसी टू की टीम, दोनों ही टीम आप को सूचित किया जाता है, आप रेडी यानी कि तैयारी जो है थोड़ा सा तेज तर्रार तरीके से शुरू कर देंगे। खतरनाक शॉट डालने का प्रयास यहाँ पर, बहुत ही बेहतर शॉट लेकिन थोड़ा सा सुजीत फूटा या वार कहेंगे, टकरा कर डिफॉल्ट हो गई गेंद, अन्यथा यहाँ पर अमृता के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। बिल्कुल जिस एंड में गति डाली गई थी राजन, मैं काफी गतिमान की कहा जाएगा और थोड़ा बहुत यहाँ पे पावर हिटिंग कार से यहाँ पे वार से डिफेक्ट जरूर हुई है और गेंद के अगर वार से डिफेक्ट नहीं होती तो मेरे ख्याल लगता है नेट पूरी तरह फट जाते, इस प्रकार के यहाँ पे शॉट डाली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया मौका लेकिन बड़ी मछली जाल में नहीं बल फंस गए बाल बाल, बेहतरीन मौका यहाँ पर चेंज का पालन करना बारंबार इस माइक्रोफोन के माध्यम से जा रहा है राजन। बिल्कुल और साथ ही साथ सैनिटाइजर सभी खिलाड़ियों को जब भी मैदान में उतरते हैं से पहले आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है, भले बातें बाल्टी में पूरी तरह रेफरी बंडल में रखी गई है और उससे अगर आप नहीं करते हैं तो आपको प्रवेश होने का अनुमति नहीं दी जाएगी। सही बात है, ये माहौल काफी सुंदर, इस ग्राउंड काफी चर्चित में से जाने जाते हैं लेकिन लॉकडाउन के वजह से हालांकि सीजन 3 दिवसीय का टूर्नामेंट नहीं है लेकिन राशि की बात कह जाए उस सेम राशि कहा जाएगा 50,000। आज कौन बन रहेंगे, कौन लक्की रहेंगे टीम राजन, ये कहना मुश्किल होगा आज का। बिल्कुल इस ग्राउंड की बात करते हैं थोड़ा सा मैच से बाहर निकल के तो यहाँ टीमों का संख्या 64, 72, 92 बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन इस साल की बात करें 2020 थोड़ा सा कोरोना महामारी के चक्कर में टूर्नामेंट थोड़ा सा मार खा गया भाई, काफी दुखी के साथ हमें कहना पड़ रहा है यहाँ पर कि भाई 32 टीमों को यहाँ पर सीमित रखा गया है, इन्हीं में से 4 टीमों को पुरस्कृत किया जाना है और उसी बीच में 32 टीम अपने टीमों के लिए दर्ज करने होते हैं और यहाँ अच्छा मौका बन सकता है। हालांकि बाएं छोर से इस समय बिल्कुल पेनल्टी जोन के आसपास बढ़िया मौका, बाया पैर से लिया जाएगा एफवर्ड लेकिन वहाँ आज से अकेडमी तैयार है। एक बार फिर मिडिल जोन पर गलत पास का इजहार यहाँ पर, बिल्कुल गलत, गलत जगह बैठा लेकिन हालांकि इसी प्रयास कहा जाएगा, मौका बन सकता है हालांकि समय लिए हैं जरूर। अमृता स्पोर्टिंग थोड़ा बहुत पर धीमापन दिखाए अपील की गुंजाइश लेकिन कोई सफल नहीं क्योंकि गेंद सीमा रेखा से शायद बाहर चली गई थी, यानी कि तुरंत यहां पेश करेंगे अमृता स्पोर्टिंग। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए दर्शकों काफी भीड़, हमारे ख्याल लगता है एक खासियत होता है राजन बड़े टूर्नामेंट की, जब जब भी टूर्नामेंट इस कमेटी परिवार आयोजन करते आ रहे हैं। नहीं 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 ये गलत कर बैठे, इस प्रकार की गलती कैसे कर सकते, गलती तो नहीं होता है पर गलती हो जाता है और कहीं ना कहीं इस पर देखने बाद कुछ रणनीति बनानी होगी, एक कर समय आना से आपको खेलना होगा। फिलहाल अच्छी गेंद लंबी से जश्न बतो मौका बन सकता है, समय लिए हैं जरूर
और देखें बात हुई जश्न बदो क्या अपने टीमों के लिए बेहतरीन स्कोर डालने का भी कोशिश की जाएगी। जश्न बस अपने के लिए सुंदर सा पासिस पाना जाएगा जयपाल सिर का और अच्छी गेंद बट चली गई राजन यहाँ पे चेस डाउन के लिए बट विकल्प आगे रह गए देखते रह गए गेंद उनके पीछे क्रॉस हो गई। ऐसे में मिस्टर थापा काफी नाम चिन्ह खिलाड़ी अशोकड़ में चैवासा का दामन को आज उन्होंने थामा है। एसटी हॉस्टल चैवासा के लिए बड़े बड़े मैच वो खेल चुके हैं बड़े बड़े जीत वो दर्ज कर चुके हैं। जैसे नंबर 15 मिस्टर सिसरपुर्ती उर्फ थापा चैवासा अक्सर उनको थापा के नाम से जाने जाते हैं बहुत बड़े खेल। इसमें कोई दोहरा बोले बात नहीं राजन भली बात इस खिलाड़ी से मैं परिचित हूँ तो सभी हम लोग डीएनए टेस्ट जब भी करते हैं खिलाड़ियों की और भली बात ही क्या था मैदान के बीचों बीच और कहीं ना कहीं करीबी करीबी मामला हो फ्रीज। इस समय विकास बाबू यहाँ पे गलत सही शॉट था लेकिन वार को भेदन नहीं किया। ओहो इस समय भी नहीं थोड़ा सा लक का साथ यहाँ पर आज सोकड़ में चायवासा के लिए लक का साथ कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं बारंबार यहाँ जीवन दान मिलता हुआ और ऐसे में एक बड़े टीम के खिलाफ जब आप खेलते हैं वो भी सारना मर्सल क्लब जजोडी में हैट्रिक जीत दर्ज कराने में 15-16-17 इसकी बात करते हैं। आज कुचाई के ग्राउंड अशोकड़ के लिए कुछ खास नहीं रहा है बात करें कि दर्शकों को भी और मैच खेलने वाले दो मेहमान टीमों को भी कुणाल वर्सेस ए वर्सेस महेंद्र एफसी टू की टीम खेलेगी सेकंड राउंड का पहला। बिल्कुल अच्छी प्रयास तो की जा रही है दोनों ही टीमें हालांकि इसको नहीं बना पाए कोई बात नहीं हालांकि स्वाति क्षण कहा जाएगा और कहीं ना कहीं समय की बात किया जाता है तो 20 मिनट या 15 या 10 मिनट दी जाती है केस कमेटी वाइस पर फैसला किए हैं रणनीति तो बनाई है जरूर क्या 30 मिनट करीब मामला नहीं कहा जाएगा एक बेहतरीन मैच खेलने की काफी उम्मीद होनी बेहतरीन इसको लाना है तो लंबे लंबे आपको हिटर लाना होगा और लंबी लंबी स्क्रीन के साथ आपको खेलना होगा नतीजा आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अच्छी गेंद लंबा सेज खेलना पसंद किया जश्न नंबर 17 अच्छी प्रयास कहा जाएगा चैबसा यानी कि आज शुरू का डमी चैबसा कटी यहाँ मध्यांतर होगी फर्स्ट हाफ का समाप्ति जब घोषणा करी जाएगी यहाँ पर तो निश्चित रूप से इस पर जरूर दोनों ही दल से दोनों ही एंगल से यहाँ कुछ विचार विमर्श होगी जरूर क्योंकि ट्राई लिया जा चुका है एक दूसरे के खिलाफ बढ़त ना बन पाना थोड़ा सा मुश्किल इतना सुंदर मैदान अगर आपके पास काबिलियत है क्षमता है तो इस मैदान में आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। क्लियर किया जाएगा बॉल को खिलाड़ी मौजूद थे बट उनसे रुकेगी नहीं फिलहाल चैबसा के पास बॉल थोड़ा सा रेफर हुआ है लंबा किक गया वहां जिस नंबर विकल्प 8 नंबर के खिलाड़ी को चुना वहां पर लेकिन 2 खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी प्रयास नीचे से बारे थोड़ा बहुत यहाँ पे दबाव नजर आ रहे हैं टीमों की बात मौका पा सकता है जश्न की बात विमल फिलहाल विमल थोड़ा बहुत साथी को मानने का सफल रहे जश्न 4 के लिए मौका बचेगा थोड़ा बच चुके हैं इसमें मौका बनेगा अमिता स्पॉट अच्छी गेंद राइट फिंगर के लिए 2 खिलाड़ी आपस में मैंने कहा बिक्की को देनी चाहिए इस गेंद अगर बिक्की को डाले तो निजी समय स्कोर बन सकते थे लेकिन बिक्की को देने के बजाय गलती किए क्योंकि बिक्की आगे चले गए थे राजन और थोड़ा बहुत हमें थीमापन नजर आएंगे हाँ बिक्की काफी निराश स्कोर द लाइन जब आगे जाते हैं आप डिफेंसिव हाफ को छोड़कर अच्छे प्रयास यहाँ पे देखने को मिला है बारंबार प्रयास पे प्रयास राजन लेकिन स्कोर नहीं हाँ मेरे ख्याल से लगता है आज मैंने इस बात का चर्चा भी करते हैं राजन आपके पास बल है तो छल भी होना है आपके पास अगर छल है तो कौशल भी होना है यानी बॉडी लैंग्वेज बॉडी की बात की जाए बॉडी अगर फिटनेस है तो भाई आप कितना गति मारना पसंद करेंगे है थोड़ा सा अधिक उम्र होने की वजह से खेल में थोड़ा सा सोनापन निखार में थोड़ा सा कमी और आज भी इन्होंने आजसू एकेडमी का दामन को नहीं छोड़ा है। ये बहुत बड़े फुटबॉलर हैं उनके एकेडमीज है चैबसा में फुटबॉल कोचिंग कराते हैं और आज अपने जूनियर खिलाड़ियों का साथ यहाँ बतौर कप्तान जुगल राजपूर्ति क्या राजन क्या आज हमेशा बिजू पात्र रहा करते हैं इस टीम में और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं आज कहीं ना कहीं
चमकता हुआ सितारा को उभारे हैं। थाने सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि तमाम अच्छे अच्छे स्ट्राइकर को इस ग्राउंड में उभार के लाए हैं और अच्छी गेंद कहा जाएगा अपील की गुंजाइश, लेकिन गेंद सिमर के सबसे कपड़ा का पट्टी लगाई गई है और इस कपड़ा के पट्टी को छेड़छाड़ आप लोग सेकंड नंबर में शुरू। फिलहाल अच्छी गेंद स्वाति चरण का हाथ आएगा जसुमा उन्नीस मौका बन सकता है राजन अमृता स्पोर्टिंग राइटिंग इतने सुंदर सा पास कहा जाएगा लंबी सेज बड़े उतने सुंदर यहाँ पे डिफेंडर द्वारा अच्छी बचाओ मौका बन सकता है समय नहीं है जरूर आज सुबह काटा में चाहे बस राइट विंगर के लिए मिडिल फॉरवर्ड का विकल्प तौर पर मायने करने में सफल रहे और मैं कैसा लगता है इस मैच में स्कोर आ पाएगी शायद इस वक्त क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव तो जरूर रणनीति बनानी होगी और बदलाव अगर लाते हैं इस मैच में अगर इस ग्राउंड में बने रहना है तो निश्चित बात स्कोर हो लाना होगा चाहे हेटल के माध्यम से हो चाहे कहीं ट्राई के माध्यम से हो चाहे गोल स्कोर लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे जश्न मुबारक एक सुंदर सा प्रयास कहा जाएगा सुभाष माइनस पास सुंदर सा पासेस लंबा सेज बट कोई विकल्प नहीं देखे पार नहीं सकते यहाँ पर ऐसे में बड़ा मौका मिल सकता है हालांकि राइट शोर से समय राइट विंगर मौजूद कटस का इस्तेमाल करने का कोशिश है थोड़ा सा समय लिए जरूर और यहाँ हुकिंग ब्लॉक गलत प्रहार लेकिन हमारे स्टार खिलाड़ी उभरते हुए सितारा चाहे चमकता हो सितारा कहा जाएगा इस तरह के खिलाड़ी जब जब भी आते हैं इस ग्राउंड में दामन थामते हैं कूचे से विशेष स्टेडियम में तो गलती आई है। फिलहाल बिक्के गेंद के साथ आगे बढ़ यार मौका बंद अच्छी खेल डाली गई थी ओके बिल्कुल गोल की अवसर यहाँ पर प्राप्त आसू अकेडमी चायवासा के लिए सफेद साफा पोशाक और यहाँ पीछे से कोई यहाँ लॉन्ग लेजर शॉट लगाना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर रेखा के आसपास तमाम खिलाड़ी ऊपर इस वक्त बड़ा शॉट गोलकीपर ने देखा अच्छी पंचिंग दाव है वहां पर गोलकीपर के द्वारा बाया पैर से मौका बनेगा क्या ट्राई लिया जाएगा पास डाले तो सही लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है एक बार फिर थोड़ा सा पीछे गए माइनस की ओर क्या करे क्या ना करे बिल्कुल सही ठिकाने पर और नहीं और बैटलैक कहा जाएगा आज जिस जगह पे आंसू अकेडमी के लिए मौका मिला था उसी जगह कहा जाएगा अमृता स्पोर्टिंग के लिए भी राजन लेकिन आज दोनों ही टीमों की बैटलैक है मेरे ख्याल से लगता है टीम टाई पे चली जाएगी कोई गुंजाइश नहीं दिखने वाली बात समय है राजन हो सकता है बिल्कुल आपने समय है बतौर खिलाड़ी लंबे समय का मैच खेलना है यहाँ ऐसे में इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती है मैच के दरमियान इस पे आपको दिल पे लेना नहीं है आप अभी भी 0-0 पे है आगे क्या रणनीति अपनानी है ये सोचने की बात होगी बार गेंद के साथ बिल्कुल तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है अमृता स्पोर्टिंग इस समय मिडिल फॉरवर्ड ने सीधे अपने राइट विंगर के लिए डाला जमीनी पास और होना भी चाहिए इतनी सुंदर मैदान आपके सामने मैच को बनाने के लिए तो गेंद को आपने नीचे रखना है। मैंने तो छोड़ जब जब भी टूर्नामेंट में कमेंट्री का सौभाग्य प्राप्त होता है तब तब इस महीने चर्चा करते हैं इस ग्राउंड की भाई आप किसी भी एंड से किसी भी कोने से फुटबॉल को मारा जाए लेवल स्थिति की बात किया जाए राजन में काफी ग्राउंड समतल ही समतल नजर आते हैं बिल्कुल इससे आप पांच छह ये तो सवाल है हाँ मेरे ख्याल से लगता है मालिंगा स्टाइल के हेयर स्टाइल स्ट्राइकर बिल्कुल बिल्कुल छोटे कद के हैं बट कारनामा इनके पास बड़े बड़े देखने में बात होगी राजन की हेयर स्टाइलिंग या काम भी उस अंदाज से करते हैं सही बात है लेकिन यूं ही खेलते रहे सुजीत तो मुझे लगता है मैच एक बार फिर सुपर ओवर में चले जाएगी अर्थात ट्राई ब्रेकर में चले जाएगी आपने इतनी लंबी मैच खेले
और जिस काम के लिए आपको मैनेजर आपको भेजे हैं कि भाई जाइए अब मैदान में अपना काम करके दिखा के आइए, लेकिन आपने अभी तक उस काम को अधूरा यहाँ छोड़ के रखा है। थोड़ा सा दोनों ही टीमों के साथ मौकाएं जो है मिली थी अपने टीमों के लिए किसी प्रकार की, हालांकि मैच रोमांचक रहा है, समय भी काफी है, समय काफी नहीं कहा जाएगा, सभी समय काफी दिए गए थे मैच के अंतिम कदार किसी भी क्षण मालिंगा स्टार के स्ट्राइकर थोड़ा बहुत यहाँ पे बीट, लेकिन मौका बनेगा उतना ही सुंदर यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जैसे बसाता थोड़ी बहुत चुके जयपाल सिर का एक बेहतरीन मैच एक बड़े स्टार के तहत लगाते हैं बिक्की गेंद के साथ आगे बढ़ने कौन से मौका बन सकता है, इनके पास काफी कट है इसके लिए अच्छी गेंद बट गोलकीपर उतनी सुंदर बचा। सेकंड पोल में यही शॉट को डाला जा रही परसेंट यहाँ स्कोर था, या मानो या ना मानो राजेंद्र मेरे कहा लगता है मैग्नेट के बाद चिपकने में सफल रहे हैं। यही होता है जब आपके पास सोचने के लिए चंद सेकंड उपलब्ध होते हैं उसी समय के अंतराल में आपको सोचना भी है और किक भी करना है स्कोर भी बनाना है, और इस समय अगर आपने कुछ अच्छा किया होता तो भाई आपके क्या कहने, तो चलिए कोई बात नहीं अभी भी दोनों ही टीमों का स्कोर लेवल देखें तो बिल्कुल पोजिशन 0-0 का। अच्छा पास ठिकाने पर बॉल को रखा जरूर है, अच्छी रणनीति के तहत इस समय 14 नंबर की जर्सी आगे सरकाया था गेंद, लेकिन डिफेंडर बिल्कुल इसके लिए तैयार गेंद को क्लियर करी, सुंदर से तालमेल यहाँ पे इन दोनों ही टीमों को एक बेहतरीन मौका मिला, इस मौके को कहीं ना कहीं और एक पल के लग रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव नजर आएगी जरूर टीम, लेकिन दबाव नहीं अपील की गुंजाइश नकारे गए हैं कि आप गलत भरा अपील करेंगे, और इसी के साथ यहाँ पे आपको किक की पावर रखनी चाहिए थी, आप गेंद के साथ पावर नहीं देंगे तो निश्चित सी बात है गेंद चली जाएगी इसी मारे के साथ बाहर, इसी पर भी मामला हो सकता है मेरे ख्याल सकता है कीर्ति बिल्कुल एनबीसी तिथिर बेला के बहुत बड़ा खिलाड़ी कीर्ति झारखंड से लेकर ओडिशा तक उनका जज्बा देखने को बनता है, लेकिन आज अमृता स्पोर्ट का दामन को थामे हैं, और यहाँ पर क्या बात आपके 12 नंबर के पास सबसे सीनियर खिलाड़ी सुभाष देवगम थोड़ा बहुत यहाँ पे चुके ऐसे ना मानो राजन भाई यहाँ पर अपील करते ही रह जाएंगे इधर गोल हो जाए, और आप हाथों का सहारा अगर बहुत सारे खिलाड़ी उससे बदलाव आई है तो मेरे ख्याल से करीब मामला हो सकता है क्या इस वक्त बदलाव लानी होगी फिर के दरमियान समय की काफी अभाव। अब बिल्कुल सब्स्टिट्यूट के तौर पर कई सारे खिलाड़ी बेहतरीन शॉट, लेकिन दोनों ही टीमों का लेवल बिल्कुल 0-0 का, किसी प्रकार की कोई उतार चढ़ाव नहीं मैच में, थोड़ा सा 70-30 का उतार चढ़ाव यहां देखने को जरूर मिला था। 800 अकेडमी चायवासा इस समय बहुत अच्छी रणनीति के साथ गेंद को सरकाया आगे, एक दूसरे के खिलाफ यहां अगर देखा जाए तो रणनीति में थोड़ी सी गड़बड़, अगर यहां थोड़ा सा रणनीति को फॉलो करते तो निश्चित रूप से यहां कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी। शॉट के तौर पर आए हैं अभी सेटअप होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा मैदान में, क्योंकि आप शुरू से ही काउंटर नहीं कर सकते, यहाँ पर कच्चा मौका बन सकता है सुंदर कट, लेकिन डिफेंडर की उतनी ही सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर देखने को मिली। मंच के ठीक सामने जो रेफरी, ये शोभा वाली बात नहीं है, प्लीज आप लोग रेफरी पैनल के आगे से आप लोग हट जाएंगे, अतिरिक्त खिलाड़ी के अलावा बाहरी दर्शक कोई भी वहां ना रहे प्लीज, रेफरी पंडाल की बात कर रहा हूं मैं। सुंदर सा शॉट 14 नंबर गेंद के पीछे, मिस्टर घनश्याम आउट स्विंग डाला गया बॉल है, रिप्ले शॉट यहां डालना पड़े, पिछला रिकॉर्ड अगर देखे दोनों ही टीमों का इसके बाद वाली मैच के लिए तो भाई कुणाल वर्धस के क्या कहने, दो गोल से यानी कि 2-0 से
इन्होंने मैच को जीतने का काम करी। यहाँ बेहतरीन मौका, लेकिन इस मौका को भी गवाएंगे आज सोकड़ विजय वासा। 2-0 से परास्त करके अपने टीम को सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कराई थी। वहीं अगर बात करते हैं महेंद्र एफसी 2 की टीम, तो इन्होंने एएफसी डीवरडी की टीम को 3 गोल से, वही दोनों ही टीमों का टक्कर बहुत ही बेजोड़ होने वाला है। दोनों ही टीमों ने पिछले मैच में बड़े बड़े